गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कल हमने आपको द्वि विशेषण के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी। आज हम आपको बताएंगे कि द्वि विशेषण किस प्रकार होता है डायग्रामेटिक एंड चार्ट के द्वारा। तो देखिएगा, द्वि विशेषण ध्यान से देखिएगा, केवल देखिएगा ध्यान से। तो इसमें डायग्राम को देखो, देखिए इधर यहां हमने आपको परिभाषा बताई थी कि पुष्पीय पादपों के मादा युग्मगोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश एम्बियोसेक में, ये देखिएगा ये बीजांड द्वार की ओर अंडकोशिका होती है और इसके पास में दो सहायक कोशिकाएं हैं। इसके मध्य में द्वितीयक केंद्रक जो केंद्रीय कोशिका के रूप होता है और निभाग की ओर तीन एग्रीकृत कोशिकाएं होती हैं। ध्यान देना, निभाग की ओर तीन एग्रीकृत कोशिकाएं होती हैं। तो गौर से देखिएगा, ये भ्रूणकोश है, इसमें से इसको देखें ध्यान से, ये बीजांड का है, बीजांड का है। निभाग से दो अध्यावरण उत्पन्न होते हैं, और क्या बन जाता है बीजांड। वर्तिकाग्र परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर क्या होता है पराग अंकुरित होते हैं। पराग अंकुरित होने के पश्चात कहने होती है पराग नलिका। देखिएगा मैं आपको पराग नलिका दिखा रहा हूं। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पराग नलिका बीजांड बाह्य सिरे से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ये देखो इसमें सबसे पहले नलिका केंद्रक और दो ये नलिका केंद्रक है और ये दो नलिका और घुमाइएगा। पराग नलिका वर्तिकाग्र को इसको सहायक कोशिका को भेजते हुए कहां प्रवेश कर जाएगी मादा युग्मगोद्भिद में और इसका अग्रसरा क्या जाता है फट जाता है और दोनों केंद्रक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं, मादा युग्मगोद्भिद में मुक्त हो जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक अमीबिया गति करता हुआ कहां आएगा इसके पास में, ध्यान देना किसके पास में आएगा, गौर फरमाइएगा, मादा युग्मक के पास में और दूसरा द्वितीय केंद्र के पास में। तो दो बार क्या होता है मिश्रण क्रिया होती है। तो मैं आपको क्या बताता कि पुष्पीय पादपों या आवर्त बीजी पादपों के भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद में युग्मक संलयन एवं तृक संलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्वि निषेचन कहते हैं। तो ये दो बार मिश्रण होता है, कहां होता है भ्रूण कोश में या मादा युग्मकोद्भिद में। अब
अंडकोश किसके अंदर पाया जाता है? बीजांड के अंदर। बीजांड किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। अंडाशय किसका भाग होता है? अंडक का, जायन का या स्त्री केसर का। देखो ध्यान से, तो जो ये मादा युग्म के साथ एक नर युग्म मादा युग्म के साथ निषेचन करता है, अर्थात संयोजन करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? युग्मक संलयन। इसे ही क्या बोलेंगे? सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन। इसके द्वारा क्या बनता है? जायगोट, जो कि द्विगुणित होता है। इस जायगोट में समसूत्री वादन के द्वारा क्या बनता है? भ्रूण, बहुकोशी के भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद में जो दूसरा नरयुग्मक है वो कहाँ जाएगा? केंद्रीय कोशिका में, अर्थात केंद्रीय कोशिका में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करेगा। दो केंद्रक मिले और तीसरा ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? त्रिसंलयन। तो क्या बन रहा है ये? त्रिसंलयन। तीन एकल केंद्रक क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? त्रिसंलयन। इसे क्या बोलेंगे? तो इसके द्वारा क्या बनता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूकोश केंद्रक। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूकोश केंद्रक, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या बनता है? त्रिगुणित बहुकोशीय भ्रूकोश। क्या बनेगा? भ्रूकोश, जो कि सूत्र प्रदान में कैसा होता है? त्रिगुणित। इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि इस प्रक्रिया में तीन एकल केंद्रक भाग लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन। ये क्रिया होती है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए। आपसे मैं दे रहा हूं देखो ध्यान से, अब आपको ता लग जाएगा पता। ये क्रिया कहां होती है? ये देखिएगा, ये आप नीले से बनाइए आगे, आपको ये पराग अंकुरित मतलब नर युग्मक में और ठहराइएगा, ये देखिएगा, और ये इसमें एक बीजांड दिखा रहा है, ये पुष्पासन है, ये देखो। अब आपको क्लियर हो गया भाई, अंडाशय ध्यान देना, ये हो गया आपका अंडाशय। अंडाशय में बीजांड और बीजांड में भ्रूकोश मादा युग्मक होते हैं, भ्रूणकोश मादा युग्मक होते हैं, दोनों में क्या होता है? संयोजन।
क्या बनेगा एन एन टू एन युग्मज जाइगोट कैसा होता है सूत्रीयता में विपरीत होता है जैसे बहुपुष्पीय इसके बाद में क्या बनेगा भ्रूण एम्ब्रियो ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि विपरीत युग्मज और ये बहुपोषकीय भ्रूण बहुपोषकीय भ्रूण प्राथमिक
केंद्रक, यहां पर इस चीज को बहुत काम आएगा आगे, ये होता है 3N त्रिभुज। क्या होता है ये त्रिभुज है, आगे इसमें क्या होते हैं समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन होते हैं और क्या बनता है भ्रूकोश, त्रिभुज भ्रूकोश, त्रिभुज भ्रूकोश, कोश एंडोस्पर्म। इस क्रिया का नाम क्या दिया गया है ध्यान देना, शिक्षा लेवल में तीन केंद्रक, दो वित्तीय केंद्रक के, दो एमएम केंद्रक वित्तीय केंद्रक के और एक एमएम केंद्रक मध्यमक में, ध्यान देना क्या बोले शिक्षा लेवल में ठीक सलयन। और इन दोनों को ही त्रिक सलयन और युग्मक सलयन दोनों को क्या नाम दिया गया है, द्विविशेषण, द्विविशेषण या डबल पार्टी लाइनेशन, ठीक है। खामन के मादा युग्मक उद्भिद भ्रूण कोष, किसका भ्रूण कोष, आवर्त बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों के भ्रूण कोष में युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, द्विविशेषण। ध्यान देना बेटा, पुष्पीय पादपों या आवर्त बीजी पादपों में क्या पाया जाता है, द्विविशेषण पाया जाता है जो कि विशिष्ट एवं सार्वभौमिक लक्षण होता है पुष्पीय पादपों का। मैंने आपको एक बता दिया था, इसकी खोज किसने की थी, एस सी नवासी ने 1896 में, ध्यान देना। तो ये क्या है, अब ध्यान देना इससे क्या बढ़ रहा है, भ्रूण किससे बढ़ रहा है, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष कोष पोषण देने वाला एक प्रकार का ऊतक होता है। इसी साल 2020 में एग्जाम आया था कि कोशिकीय भ्रूण कोष को समझाइए, तीन नंबर प्रश्न आता है सेक्शन सी में, कोशिकीय भ्रूण कोष को समझाइए, आगे भ्रूण कोष का वर्णन करेंगे तो किसके पश्चात बताइए, निषेचन के पश्चात भ्रूण बढ़ रहा है, जायगोट बन रहा है, मजूर बन रहा है, भ्रूण बढ़ रहा है, भ्रूण कोष बन रहा है। अब ध्यान देना, जब इसमें निषेचन हो जाता है हम कहां चल रहे हैं, मध्य में, निषेचन में। तो देखो एक बार इसको पूरे पहले पार्ट से देखते हैं, आपको रिवीजन कराता हूं इसका भी, ध्यान देना पूरा पूरा इस डायग्राम द्वारा ध्यान देना, बहुत फरमाइएगा। हमने आपको ये बताया था पराग स्थिति से पारस्परिक क्रिया, क्या बताया था कि परागण के बाद वर्ती काल पर परागण के पश्चात पराग अंकुरित होने से लेकर, पराग अंकुरित होने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की समस्त क्रियाओं को क्या बोलते हैं, पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रियाएं। इसके बाद क्या क्रिया होती है, निषेचन। तो हमने आपको पहले बताया था, देखो ये बताया था कि नर युग्मकोद्भिद का विकास ये हो रहा वर्ती काल पर अंकुरण के पश्चात पराग के द्वारा, और मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर ध्यान दें, तो इसलिए होता है नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद विकास, ताकि नर युग्मकों को मादा युग्मकोद्भिद के मादा युग्मक तक पहुंचाया जा सके। इसे क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण, ये तो है। तो पहले क्या बने युग्मक, ध्यान देना इससे पूर्व की घटना क्या होती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन के अंदर हमने आपको इनकी रचना के बारे में बताया था, निर्माण के बारे में बताया था, उसके बाद में पराग स्त्रीकरण पारस्परिक क्रिया के बारे में बताया था। अब आता है निषेचन, निषेचन में पुष्पीय पादपों में दो क्रियाएं होती हैं, पुष्पीय पादपों में युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इसे क्या बोलते हैं, द्विविशेचन या दोहरा विशेचन। ध्यान देना, द्विविशेचन या दोहरा निषेचन आवर्त बीजी पादपों में ही पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना ये अनावर्त बीजी पादपों में निषेचन से पहले होता है, ध्यान देना। तो देखिएगा हमने आपको ये बताया था ये क्रिया है पूरी पूरी, इसके बाद में अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान रखना क्या प्रश्न उठता है कि जो बीजांड है कि निषेचन के पश्चात बीजांड
द्वारा किन पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है, किन किन पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, निषेध के पश्चात बीजांग बीज में बदल जाता है। ध्यान रखने बात, निषेचन के पश्चात बीजांग बीज में बदल जाता है और बीजांग द्वारा निम्नलिखित तीन पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है। सबसे पहली पीढ़ी क्या कहलाएगी, भ्रूण कोष मादा युग्म, एगरिड पीढ़ी बोलेंगे इसको। एगरिड पीढ़ी किसके रूप में होती है, भ्रूण कोष के रूप में होती है। दूसरा है द्वितीयक पीढ़ी, द्वितीयक पीढ़ी के रूप में अध्यारण बीजांड का, बीजांड का है अध्यारण बीजांड का है, और अध्यारण हो गया बीजांड का हो गया, इनके निरूपित किया जाता है। और तीसरी जो पीढ़ी है वो आएगा आपको भ्रूणकोष, त्रिगणित, त्रिगणित भ्रूणकोष रूप में ये बन रहा है, त्रिगणित भ्रूणकोष जो पढ़ाएंगे हम आपको आगे। तो तीन पीढ़ियों को निरूपित किया जाता है। इसके बाद में अब ध्यान देना, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोष का निर्माण भ्रूण से पहले होता है, इसलिए एक क्रिया होती है युग्मनज प्रसूति। अर्थात जब भ्रूणकोष का निर्माण होता है तो युग्मनज कुछ समय के लिए प्रसूति अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ही आवश्यक है उसके पोषण के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, युग्मनज प्रसूति। तो आगे का जो टॉपिक होगा आपका क्या होगा, भ्रूणकोष से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार का होता है, परिवर्तन के आधार पर भ्रूणकोष कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार और समझ लें इसको आप कि द्विविषेचन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोष या मादा युग्मक उद्भिद में युग्मक संलयन और फिर संलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, द्विविषेचन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप कल मैंने आपको बताया था कि द्विविषेचन आवर्त बीजी पादपों की विशिष्ट एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। उसे जो बताया था कि द्विविषेचन में तीन एगरिड युग्मक भाग लेते हैं, तीन एगरिड युग्मक भाग लेते हैं, कौन सा, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, मतलब दो तो नर युग्मक एक मादा युग्मक। और मैंने आपको यह बताया था कि द्विविषेचन में पांच एगरिड केंद्रक भाग लेते हैं। पांच एगरिड केंद्रक कौन कौन से, ध्यान देना, एक नरयुग्मक का, एक अंडकोशिका का, एक दूसरा नरयुग्मक का, है ना। दो तो नरयुग्मक के एगरिड केंद्रक हो गए, एक मादा युग्मक का और दो केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के, दो तीन चार पांच, पांच एगरिड केंद्रक भाग लेते हैं, ध्यान रखना ये। अब आपने पूछ लिया कि त्रिक संलयन से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या परिभाषा बताओगे इसकी कि त्रिक संलयन से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या बताओगे कि आवर्त बीजी पादपों में द्विविषेचन के दौरान, इस दौरान हो रहा है द्विविषेचन के दौरान हो रहा है, तो आवर्त बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में द्विविषेचन के दौरान ध्यान देना, त्रिक संलयन से बनी संरचना क्या बनती है, भ्रूणकोष। त्रिकसंलयन के दौरान एक नरयुग्मक का केंद्रीय कोशिका संलयन क्या कहलाता है, त्रिकसंलयन कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है, आपके भ्रूणकोष केंद्रक ये त्रिगणित होता है, ये संतुलित वाले द्वारा क्या बनेगा, त्रिगणित भ्रूणकोष, जो कि सूत्रीकरण क्या होता है, त्रिगणित होता है। प्रश्न आया था कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोष की सूत्रीकरणता क्या होती है, भ्रूणकोष की सूत्रीकरणता क्या होती है, त्रिगणित। इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, यही है क्या कि आवर्त बीजी पादपों में द्विविषेचन के दौरान द्वितीयक केंद्रक एवं नरयुग्मक के संलयन से बनी त्रिगणित संरचना को क्या बोलते हैं, इसमें क्योंकि इस क्रिया में तीन केंद्रक भाग लेते हैं, तीन एगरिड केंद्रक, इसलिए क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन लेते हैं। और त्रिसंलयन के द्वारा क्या बनता है, भ्रूणकोष का निर्माण होता है। तो आप देख लीजिएगा ये है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार इसको नोट कर लें आप। देखिए जब पराग नलिका, ध्यान देना, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूणकोष में प्रवेश करती है तो अग्रसिरे से क्या करती है, इसका अग्रसिरा फट जाता है। इसको लिखो, जब पराग नलिका, जब पराग नलिका बीजांड द्वार
से होते हुए भ्रूणकोश मादा युगलकोद्भिद भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो यह अग्र सिरे से फट जाती है, यह अग्र सिरे से फट जाती है। जैसे ही पारणालिका बीजांग द्वार से होते भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो अग्र सिरे से फट जाती है और दोनों नरयुवक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। देखो जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। अब क्या होता है उनमें से एक नर युग्मक जो प्रथम होता है, जो प्रथम नर युग्मक या एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संयोजन करके क्या बनाता है, अन्य कोशिका से संयोजन करता है और द्विगुणित जायगोट या युग्मक का निर्माण करता है। इनमें से एक नर युग्मक अमीबीय गति द्वारा मादा युग्मक अंड कोशिका से संयोजित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मज का निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मज का निर्माण करता है इस क्रिया को युग्मक संलयन, ध्यान रहे इस क्रिया को युग्मक संलयन सिंधेनी कहते हैं, इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन वास्तविक या सत्य निश्चय होता है क्योंकि इसमें नर युग्मक का अंड कोशिका से संयोजन होता है। आगे देखो दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करते हुए कहां पहुंचता है, केंद्रीय कोशिका और केंद्रीय कोशिका में स्थित द्वितीय केंद्र से संयोजन करता है। इसमें आगे लिखा जबकि दूसरा नर युग्मक जबकि दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका केंद्रीय कोशिका या ये कैसे द्वितीय केंद्र द्विगुणित होता है, द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके द्वितीय केंद्रक या कोशिका से संयोजन
करके त्रिभुज रूपकोष ध्यान रखना वहां कोष आएगा भी एक बना वाला पे कोष भ्रूण कोष केंद्रक पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस त्रिभुज भ्रूण कोष केंद्रक क्या करेगा बनाएगा त्रिभुज भ्रूण कोष केंद्रक या फिर ये कह सकते हैं इसको त्रिभुज प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक ये लिखो त्रिभुज प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक पी ई एन प्राइमरी इसलिए त्रिभुज प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक पी ई एन त्रिभुज प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बनाता है बनाता है जिसमें समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे त्रिभुज भ्रूणकोष का निर्माण होता है बनाता है जो आगे देखो जो समसूत्री विभाजन द्वारा जो समसूत्री विभाजन द्वारा त्रिभुज भ्रूणकोष अरे नहीं भ्रूणकोष जानना भ्रूणकोष नहीं भ्रूणकोष है ये भ्रूण को पोषण देने वाला उत्तक त्रिभुज भ्रूणकोष जो सबसे बड़ा त्रिभुज भ्रूणकोष का निर्माण करता है का निर्माण करता है संस्कृत वाले होंगे इसमें प्राथमिक तभी तो तीन प्रकार के भ्रूणकोष बनेंगे केंद्रकीय कोशिकीय और हेलोबियली मिश्रित प्रकार का भ्रूणकोष भ्रूणकोष सॉरी तो संस्कृति वाले द्वारा त्रिभुज भ्रूणकोष का निर्माण करता है जो भ्रूण को क्या करेगा जो भ्रूण को पोषण जो विकासशील भ्रूण को जो जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ये एक प्रकार का ऊतक होता है भ्रूणकोष जिसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और खल मतलब खनिज लवण आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिससे यह भ्रूण को पोषण प्रदान करके भ्रूण का समुचित विकास करता है तो आगे देखें हम तो चूंकि इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया में भ्रूणकोष निर्माण की प्रक्रिया में तो देखो अगला पॉइंट है चूंकि इस प्रक्रिया में चूंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है तीन एवरित केंद्रकों का क्या होता है संयोजन होता है चूंकि चूंकि इस प्रक्रिया में तीन एवरित केंद्रकों का संलयन होता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं त्रिक संलयन इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं आगे बात समझ लें चूंकि इस प्रक्रिया में तीन एवरेज केंद्रकों का संलयन होता है इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं इस प्रकार अगला पॉइंट है इस प्रकार
आवक बीजी बालकों या उसके बालकों के मादा युग्मक उद्भिद में क्या होता है? युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया को द्विभिषण कहते हैं। इस प्रकार आवृत बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद वही कौन सा भ्रूण कोष के होने वाला है? भ्रूण कोष में इस प्रकार आवक बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में संपन्न युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन कौन सी क्रिया? युग्मक संलयन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन द्विनिषेचन प्रकरण में दोहरा दो बार होता है भाई, इसलिए दोहरा कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, जो आपको इस व्याख्यान द्वारा बताया गया है। तो इस प्रकार आवक बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद भ्रूकोष में संपन्न युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। यह है सर। अब इस द्विनिषेचन का क्या महत्व है उसके पालन के लिए? बहुत ही महत्व है। प्रश्न पूछा जाता है कि आवक बीजी पादपों में द्विनिषेचन के महत्व को समझाइए। तो अगला क्वेश्चन आया था आपका लाइडिंग द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन केवल आवक बीजी पादपों केवल आवृत बीजी मतलब पुष्पीय आवक बीजी पादपों में ही पाया जाता है। इसीलिए इसका महत्व और अधिक हो जाता है इसका महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि यह केवल आवक बीजी पादपों में पुष्पीय पादपों में ही पाया जाता है। उसमें देखिएगा पहला इसका महत्व है, लिखो द्विनिषेचन द्वारा क्या होता है भाई? द्विनिषेचन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे विकसित होकर भ्रूण बनाता है। तो देखिए द्विनिषेचन द्वारा द्विगुणित युग्मनज
निषेचन द्वारा द्विगुणित युग्म बना जाएगा। युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे विकसित होकर, जो आगे विकसित होकर क्या बनाएगा, बहुकोशिकीय भ्रूण, जो आगे विकसित होकर क्या बनाएगा, बहुकोशिकीय भ्रूण जो आगे विकसित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है। पहला दूसरा है द्विनिषेचन द्वारा क्या होता है, त्रिकसंलयन, द्विनिषेचन में संपन्न त्रिकसंलयन से, द्विनिषेचन में संपन्न त्रिकसंलयन से क्या बनता है भाई, त्रिगुणित रूपोष का निर्माण होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है या संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है। जिसमें लिखो द्विनिषेचन द्वारा त्रिवृत्त भ्रूणकोष, द्विनिषेचन में संपन्न होना, द्विनिषेचन में संपन्न त्रिकसंलयन से त्रिवृत्त द्विनिषेचन में संपन्न त्रिकसंलयन से त्रिवृत्त भ्रूणकोष, त्रिवृत्त भ्रूणकोष का निर्माण होता है, जो संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है, संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है। तो ये भाई संकर ओज क्या है, संकर ओज गुणों से परिपूर्ण होता है हाइब्रिड वाइगॉट, ये होता है हाइब्रिड प्योर हाइब्रिड संकर ओज। संकर ओज क्या होता है ध्यान देना, संकर से प्राप्त संकर संतति होती है। तो देखो आनुवांशिक रूप से दो भिन्न जनकों के मध्य संकर से उत्पन्न संतति को संकर संतति कहते हैं। जब यह संकर संतति अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होती है, जब यह संकर संतति अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होती है तो इसे क्या बोलते हैं, संकरोज कहते हैं। और संकर संतति की इस जो गुणात्मक श्रेष्ठता होती है वह कहलाती है संकरोज कहलाती है। ध्यान देना आनुवांशिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण से क्या उत्पन्न होता है, संकर संतति। संकर संतति अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होती है और संकर संतति की इस गुणात्मक श्रेष्ठता को ही क्या बोलते हैं, संकरोज कहते हैं। जैसे आप देखो खच्चर है, तो खच्चर अपने जनकों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं लेकिन इनमें एक दोष होता है कि वो जननक्षम नहीं होते। बाकी देखो आप पहाड़ों पर क्या ले जाते हैं, बोझा, बोझा ढोने की शक्ति कहां से आते, गधे से। और खड़े रहने की ताकत, मतलब ताकत कहां से आती है, घोड़े से चलने की ऊपर तक। तो ऐसा संकर है वो प्रकृति में। तो आप देखिएगा इसी प्रकार अब आते हैं आवक बीजी पादपों में, तो आवक बीजी पादपों में संकरोज कौन सा, त्रिगुणित भ्रूणकोष।
जो कई प्रकार का ऊतक होता है, जो जिसकी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। इसलिए आवकबीजी पादपों में भ्रूण से पहले भ्रूण कोष का विकास होता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो संकरवल गुण से परिपूर्ण होता है। अगला नेत्रस का, इसमें लिखे आप लोग, यह भ्रूण कोष, यह भ्रूण कोष विकासशील भ्रूण, यह भ्रूण विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास होता है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास होता है, जिससे भ्रूण का समुचित विकास होता है, में नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए यह संकर उसकी भांति व्यवहार करता है। दोनों गुण पाए जाएंगे, ध्यान देना, किसमें? भ्रूण कोष में। तो अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें भ्रूण कोष में नर एवं मादा दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे यह संकर कोष की भांति व्यवहार करता है। इसमें देखें आपको, भ्रूण कोष में नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब दोनों के जी पाए जाते हैं, दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे यह पाए जाते हैं, जिससे यह संकर कोष की भांति व्यवहार करता है, जिससे यह संकर कोष की भांति व्यवहार करता है। संकर कोष की भांति व्यवहार करता है, भ्रूण कोष में नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे यह संकर कोष की भांति व्यवहार करता है, जिससे यह संतोष की भांति व्यवहार करता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है, देखो आप कि द्वि निषेचन बीजों की अंकुरण क्षमता एवं जीवन क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। देखो द्वि निषेचन बीजों के अंकुरण एवं उनकी जीवन क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। बीजों के बीजांकन और उनकी जीवन क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे
किससे ग्लूकोज से, क्योंकि इससे उनके जीव द्रव्यों का पुनर्निर्माण पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण होता है, भाई आपस में नर एवं मादे केंद्र को क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, जीवन होगा और नवीकरण होगा, जिससे उनकी जीवन क्षमता और अंकुरण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह आपका निसर्ग का महत्व हो गया था। इसके बाद में हम आपको आगे बताएंगे निश्चित पश्चात घटनाएं, निश्चित पश्चात घटनाएं। तो आपका डिविनेशन पूरा हुआ, ये आगे चलेंगे।